कोई बेसहारा गरीब करोड़ों का मालिक बन जाए, क्या ऐसी कल्पना आप कर सकते हैं? रास्तों पर चाय बेचने वाला एक सामान्य बालक किसी देश का प्रधानमंत्री या बड़ा राजनेता बन जाए, क्या ये आप मान सकते हैं? और ऐसा ही कोई बालक जो अपने ज्ञान में, बुद्धि में, व्यक्तित्व में, पढ़ाई में कमजोर हो, ऐसा कोई किशोर संसद में प्रवचन दे सके, लाखों युवकों को सही राह दिखा सके, अपने प्रवचन और अपनी लेखन कला से पूरे विश्व को प्रभावित कर सके, क्या ऐसा आप मान सकते हैं? अब ये देखिए, इन सभी का जवाब आप ही सुन लो और आप ही देख लो। वर्ष के समृद्ध धार्मिक स्थलों को विदेशी ताकतों ने अनेकों बार लूटा, आध्यात्मिक धरोहर को तहस नहस किया, तो दूसरी ओर अंग्रेजों ने सालों तक हमें गुलाम बनाए रखा। हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और नैतिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाते रहे। जाते जाते भी अंग्रेज भारतवासियों के दिमाग में कुछ ऐसा केमिकल लोचा करते गए कि आज तक भारतवासी वेस्टर्नाइज बनने की होड़ में भाग रहा है। लेकिन जब जब अधर्म, अज्ञान और अराजकता ने अपना सर उठाया, तब तक हमारे वर्ष में किसी ना किसी साधु रत्न ने या स्वयं भगवान ने अलग अलग अवतारों के स्वरूप में जन्म लिया। सन 1948 की साल में और पोष दशमी के दिन गुजरात के देपला गांव में जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का। उनके पिता दलीचंद भाई और माता चंपा बहन श्री ने इस बालक का नाम रखा रजनी। और एक दिन पिताश्री, ये आप क्या कर रहे हो? बेटा, आम बो रहा हूँ। आम? तो मुझे भी दीजिए आम, मुझे भी खाने हैं। अरे अभी तो फल नहीं आए हैं। नहीं, मुझे अभी खाने हैं। अरे बेटा, अभी तो इसे बोऊंगा, उसे पालूंगा, उसे बड़ा करूंगा, तब जाके 10 सालों के बाद ये फल देंगे। तो फिर ये हमारे किस काम के? नहीं नहीं, ये हमारे बहुत काम के हैं बेटा। आज इसे मैं बोऊंगा, तभी जाकर तो तुम और दूसरे लोग इसे खा पाओगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस आम की तरह ज्ञान का, धर्म का सिंचन करते रहना, तुम्हें हमेशा विजयी बनाएंगे। लेकिन 5 साल की कम उम्र में ही रजनी ने अपनी मां को खो दिया।
अब रजनी को माँ का वात्सल्य और पिता के संस्कार दोनों दलीचंद जी को ही देने थे। दलीचंद जी ने अपनी निजी जिंदगी में सारे बलिदान देते हुए रजनी के अंदर जबरदस्त संस्कारों के सिंचन करते गए। अब रजनी के जीवन का एक दूसरा पड़ाव आया। सन 1964 के मई महीने के ग्रीष्म काल के दौरान एक दिन पिता ने रजनी को परम पूज्य पन्या श्री भानु विजय जी महाराज साहेब की अचलगढ़ की युवा शिविर में जाने की सिर्फ अनुमति ही नहीं दी, लेकिन वो खुद भी कार्यकर्ता के रूप में स्वयं इस शिविर में शामिल हुए। ये वही गुरु महाराज थे जो आगे जाके भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज साहिब के नाम से उद्घोषित हुए। लेकिन उस वक्त इन सब बातों के प्रति इतनी गंभीरता रजनी में ना होने की वजह से वो शिविर में गए ये सोचकर कि चलो शिविर के बहाने नकवी तालाब और सनसेट पॉइंट देखने और घूमने मिल जाएगा। अरे मुझे भी तो खेलने देना। अरे थोड़ा रुको, अब इस बार ये गिल्ली मैं सीमा के बाहर बचाऊंगा। कितना भगाओगे मुझे, अब मुझसे और नहीं भागा जा रहा। अरे रुको ना, और ये देखो। और कितना देखूं, सुबह से देख ही तो रहा हूं। तुम खेल रहे हो, मैं देख रहा हूं। एक रात एक इंसान बहुत ही व्याकुल और व्यथित था। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम। एक रात को वो अपने घर से बाहर निकला और समंदर के किनारे जाके बैठ गया। वो बड़ा व्याकुल था, बहुत ही व्यथित था, उसके साथ कोई नहीं था। वो जमीन पे पड़े हुए पत्थरों को उठाते गया और समंदर के पानी में फेंकने लगा। पत्थर उठाते गया और समंदर के पानी में एक एक कर फेंकते गया। ऐसे करते करते सुबह हो गई। अचानक एक दूसरा आदमी उसके पास आया। उसने इस आदमी को रोका, भाई ये तू क्या कर रहा है, जिसे तू फेंक रहा है वो पत्थर नहीं है, वो तो चमकीले कीमती पत्थर हैं। ये क्या कर रहा है तू? ये आदमी को बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि उसने बैठे बैठे चमकीले कीमती पत्थर समंदर में फेंक दिए थे। तब वो दूसरे इंसान ने उसको समझाया, तूने इतना समय ऐसे ही कामों में व्यर्थ गवाया है, यदि यही समय तूने अच्छे कार्यों में लगाया होता तो तू आज सज्जन संत या परमात्मा भी बन जाता। वो गुरु महाराज को और सुनते गए। मानो उनकी वाणी और उपदेश में ही अब रजनी को जीवन का सार नजर आने लगा और रजनी 2 सालों तक गुरु भगवंत के साथ मुनि जीवन की ट्रेनिंग लेते रहे और रजनी ने महज 17 साल की उम्र में दीक्षा लेने का निर्णय किया। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने, साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने, सबकी उलझन सुलझाने अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और आज्ञा से चैत्रवत बीज 1967 में सिर्फ रजनी ने ही नहीं परंतु उनके सांसारिक पिता दलीचंद भाई ने भी दीक्षा जीवन में प्रवेश किया। अब उनके पिताजी दलीचंद जी का नाम मुनिराज देव सुंदर विजय जी घोषित हुआ और रजनी का नाम मुनिराज रत्न सुंदर विजय घोषित हुआ।
दीक्षा के बाद गुरुदेव श्री ने एकाशना करना चालू किया और वो भी सिर्फ दो ही द्रव्यों को वापर कर। फिर पिंडवाड़ा के चौमासे के दौरान 4 महीनों तक गुरुदेव ने नॉनस्टॉप आयंबिल किए। आयंबिल मतलब जिसमें एक ही बार भोजन लेना होता है और वो भोजन में भी दूध, दही, घी, मिष्ठान, नमकीन और तली हुई चीजों के साथ साथ फ्रूट और ड्राई फ्रूट का भी त्याग करना पड़ता है। अब विहार के दौरान कई बार उन्होंने सिर्फ खाखरा और पानी जैसी निर्दोष गोचरी ग्रहण करके अपने आयंबिल तप की साधना की। गुरुदेव श्री ने अपनी एक डायरी बनाई थी जिसमें उन्होंने एक टारगेट सेट किया था कि उनकी 36 साल की उम्र होने तक उनकी 100 ओली पूरी होनी चाहिए और 100 ओली पूरी करने के लिए साल में 10 महीनों तक उनके आयंबिल चलते थे। ये थी उनकी तपस्या। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज साहेब की और देव सुंदर महाराज साहेब की बहुत सेवा की। उनके अलावा पूरे समुदाय में सारे साधु भगवंतों की वो सेवा करते रहते थे। सावर कुंडला के चातुर्मास के दौरान उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि मेरी तबीयत अब तभी ठीक होगी जब मैं साधु भगवंतों की वैयावच करूंगा। और फिर उन्होंने पूज्य भुवन भानु महाराज साहेब से आज्ञा ली और रोज एक साधु भगवंत का काप निकालना शुरू किया। काप निकालना मतलब साधु भगवंतों के वस्त्रों को धोना। 150 दिनों में लगभग 80 दिन उन्होंने अलग अलग महात्माओं के काप निकाले, उनके वस्त्रों को सुखाया और घड़ी करके वापिस रखने का काम उन्होंने किया। ये थी उनकी भक्ति। दीक्षा काल के 3rd साल से ही गुरुदेव श्री ने प्रवचन देना शुरू किया। उस समय भी उनके प्रवचन इतने प्रभावशाली होते थे कि जैसे ही लोगों को पता चलता था कि आज मुनि श्री रत्न सुंदर महाराज साहेब का व्याख्यान है तो व्याख्यान हॉल आधे घंटे से पहले ही पूरा भर जाता था। उनके गुरुदेव पूज्य भुवन भानु महाराज साहेब भी उनके व्याख्यानों से आकर्षित होते थे और उनकी पीठ थपथपाकर उनको कहते थे, रत्न सुंदर तुम जबरदस्त पदार्थों को बाहर निकालते हो, ऐसे ही प्रवचन देते रहो। अहमदाबाद की पंकज सोसाइटी में उनकी शिविर के दौरान शिविर में शामिल होने के लिए 5,000 एंट्री पास आते थे, मगर पंकज सोसाइटी की सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 3,000 होने की वजह से बाकी के एंट्री पास को रिजेक्ट करना पड़ता था। मुनि अवस्था के दौरान सिर्फ श्रावक ही नहीं परंतु साधु साध्वियों के लिए वे जब वाचना देते थे तब सारे एक चित होकर सुनते थे। जब गुरु जी पालीताना में थे तब वहाँ बहुत सारे आचार्य भगवंत मौजूद थे और दीक्षा लिए हुए अभी तो उन्हें इतने साल भी नहीं हुए थे, फिर भी 1300 जितने साधु साध्वी उनकी वाचना सुनने आते थे। भावनगर के असामाजिक तत्वों को सज्जन बनाया, हजारों लोगों को व्यसनों से मुक्त करवाया। सामाजिक, व्यवहारिक, वैवाहिक, आर्थिक, राजनीतिक उलझनों, गुत्थियों और झगड़ों को सुलझाया। बहुत सारी शादियों को टूटने से रोका। भारतवर्ष में चल रही कुछ महत्वपूर्ण समस्या का समाधान देने के लिए गुरु जी को प्लानिंग कमीशन ने सामने से आमंत्रित किया। आजादी के बाद ऐसा पहली दफा हुआ होगा कि किसी संत ने प्लानिंग कमीशन में प्रवचन दिया हो। प्लानिंग कमीशन ने गुरुवर को अपनी बातों को रखने के लिए सिर्फ 15 मिनट दिए हुए थे, पर हुआ ऐसा कि गुरुवर की लॉजिकल दलीलों, उनके सुझावों और उनकी प्रैक्टिकल बातों से प्रभावित होकर प्लानिंग कमीशन ने ये आग्रह किया कि आप हमें और भी सुझाव दीजिए। और देखते ही देखते 44 मिनट तक गुरुदेव ने सबको संबोधित किया। गुरुवर के 44 मिनट के दौरान दिए हुए सारे सुझावों को प्लानिंग कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। अपनी वाचना और प्रवचन से सबको प्रभावित करने वाले गुरुवर की लेखन शैली में इतनी धार नहीं थी। एक दिन पालनपुर के खोड़ा लिमड़ा उपाश्रय में दोपहर 2:35 पर भुवन भानु महाराज साहेब ने गुरुदेव श्री को बुलाया और कहा, रत्न सुंदर तू लिखना शुरू कर दे। गुरुजी, मुझे एक पोस्ट कार्ड भी लिखना होता है तो मैं आपके पास डिक्टेशन लेने आता हूँ, तो पुस्तक लिखना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। क्या तुम्हें मेरे वचनों के ऊपर भरोसा नहीं है?
अपने आप से भी बढ़कर भरोसा है मुझे आप पे। बस तो फिर तुम लिखने का काम आज अभी से ही शुरू करो। तत्व ज्ञान से भव सागर को पार लगाने, रोम रोम में प्रभु भक्ति का भाव जगाने। ऐसा सुनकर गुरुदेव श्री ने पूज्य भुवन भानु महाराज साहिब की गोद में अपना सर रख दिया। उस वक्त 2:35 पर गुरुदेव श्री ने जो कलम उठाई थी वो आज तक इतने सालों के बाद भी अविरत चल रही है। उनके सारे पुस्तकों की विशेषता यह है कि उनकी पुस्तकें किसी भी स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए नहीं होती। बच्चा हो या बूढ़ा, कोई भी इन पुस्तकों को पढ़कर उसे अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जन जन को ये मिलाने, कृतज्ञ हमें बनाने, पत्थर को मोम बनाने आया है। गुरुदेव श्री जब भी पुस्तक लिखते हैं तो मोती के दानों जैसे उनके हैंडराइटिंग होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कैंसिलेशन, करेक्शन या प्रूफ रीडिंग होता नहीं है। बुक सीधी पब्लिश होती है। गुरुदेव को लिखने के लिए एकांत की जरूरत नहीं होती। सबके बीच में सब काम करते हुए, संयमी जीवन की सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए, प्रवचन देते हुए गुरुदेव श्री ने आज तक 300 पुस्तक लिखे हैं। बिल्कुल नया सर्जन। 300 पुस्तक, 42 टॉपिक्स, नो रिपीटेशन और अब तक 80 लाख कॉपियों का वितरण। 2 कदम विस्मरण से स्मरण की ओर, जो 10 भाषा में प्रकाशित हुई है और देश विदेश तक पहुंची है। उनके अलावा गुरुदेव ने हर विषय पर पुस्तकें लिखी हैं। पारिवारिक समस्याओं के लिए प्रेम की मीठी नजर, मीठे द्वेष का जहर, ये पुस्तक सास बहू को केंद्र में रखकर लिखा हुआ है। हम सब साथ रहेंगे, जो संयुक्त कुटुंब के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। दीवार जब टूट जाती है, यह पुस्तक दो भाइयों के बीच में किसी भी प्रकार की दीवार खड़ी ना हो जाए और अगर खड़ी हो तो वो टूट जाए, उस बात को केंद्र में रख कर लिखी हुई है। लग्न जीवन की समस्याओं के लिए टकराव नहीं समझौता, क्रिकेट के विषय पर कांटे की टक्कर, मोबाइल के लिए मोबाइल, कमाल धमाल या सलाम, सीए की डिग्री के लिए मुझे सीए बनना है, 10 वैकालिक ग्रंथ पर रत्न मंजूषा, उपदेश माला ग्रंथ पर दोस्त मुक्ति तारी राजुए छे, अध्यात्म कल्पद्रुम ग्रंथ पर भ्रमणा ज्यारे भांगे छे और इसी विषय के ऊपर और 5 पुस्तकें लिखी हैं। वैराग्य शतक पर रणकार घंटनो पड़कार संतनो, आचारांग के सूत्रों पर प्रभु वीर कहे छे, साइंस के ऊपर करामत कंप्यूटर की, बिजनेस के ऊपर मंदी में भी मस्ती, पंछी गगन में इंसान पिंजरे में, राजनीति के ऊपर आरोप नामा, पशु पंखी के लिए है ना गजब, मुझे भी कुछ कहना है, पेड़ पौधों के ऊपर है ना कमाल, शिक्षण के ऊपर शिक्षा के दूध में संस्कार की शक्कर, A to Z परीक्षा नी जिंदगी, जिंदगी नी परीक्षा, टीनेजर्स लड़कियों के लिए दिल की बात और हृदय की व्यथा, आंखों से आंसू गिराने के लिए आपको मजबूर कर देने वाली एक नवल कथा गुरुदेव श्री ने लिखी है, कहीं धूप कहीं छांव। आज से 15-20 साल पहले जब गुरुदेव का रूट कैनाल हुआ था, तब गुरुदेव ने डॉक्टर से RCT यदि कोई करवाता है तो आप कितनी फीस लेते हो। तब डॉक्टर ने पहले तो खर्चा नहीं बताया और कहा आपको कहाँ देना है, पर गुरुदेव के आग्रह के कारण डॉक्टर ने कहा 3600 रुपए। उस दिन गुरुदेव पूरी रात नहीं सो पाए और एक प्रश्न उनके मन में उठा कि इतनी महंगाई में एक आम आदमी का क्या होता होगा।
बस इसी व्यथा में से जन्म हुआ साधर्मिक फाउंडेशन का, और आज पूरे भारत में अब तक बहुत सारे साधर्मिक फाउंडेशन कार्यरत हो चुके हैं। जैसे कि मुंबई में 28 जितने साधर्मिक फाउंडेशन खुल चुके हैं, उसके अलावा दिल्ली, रतलाम, देवास, रायपुर, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, अहमदाबाद, सूरत। ये फाउंडेशन साधर्मिक भाइयों को मेडिकली, एजुकेशनली और स्वावलंबित बनाने के लिए दिन रात कार्य करता है, और करोड़ों रुपयों की राशि का इस मंगल कार्य में उपयोग हो रहा है। ऐसी ही एक घटना अहमदाबाद में बाढ़ की वजह से जैनों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा था। हालत इतनी खराब थी कि ऐसी परिस्थिति में फंडिंग जमा करना मुश्किल ही नहीं परंतु नामुमकिन था, पर गुरुदेव के सिर्फ एक प्रवचन से 10 करोड़ का फंड जमा हुआ और साधर्मिक भाइयों की भक्ति में खर्च हुआ। पूज्य भुवन भानु महाराज साहिब ने उनके शिष्य मुनि रत्न सुंदर और हेम रत्न महाराज साहिब को पिजन एक्सपोर्ट के विषय में इंदिरा गांधी को मिलने के लिए भेजा। गुरुदेव के कन्विंसिंग पावर, उनके वाक चातुर्य और लॉजिकल दलीलों से सिर्फ 3 मिनट में ही इंदिरा गांधी कन्विंस हो गए, और उन्होंने तय कर लिया कि हमेशा के लिए पिजन एक्सपोर्ट को बंद करना जरूरी है। गुजरात के मेडिकल एवं साइंस के छात्रों को पढ़ाने के लिए फ्रॉग डिटेक्शन की जाती है। गुरुवर के अथक प्रयत्नों से इन स्कूलों और कॉलेजों ने जापान से फ्रॉग का मॉडल इंपोर्ट किया, और गुजरात के स्कूलों और कॉलेजों में फ्रॉग डिटेक्शन हमेशा के लिए बंद हो गया। कई सारे पोल्ट्री फार्म गुरुदेव की प्रेरणा से बंद हुए हैं। गुरुदेव श्री की राजकोट की शिविर के शिविरार्थी थे गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर वजूभाई वाला। गुजरात के अकाल के गुरुदेव की प्रेरणा और आदेश से वहां की पांजरा पोल के लिए 70 करोड़ की सब्सिडी गुजरात गवर्नमेंट ने दी थी। आज से तकरीबन 10 साल पहले गुरुदेव के दर्शन एवं आशीर्वाद हेतु नागेश्वर तीर्थ में एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान पधारे। तभी गुरुवर ने सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए वल्गर फिल्म्स के पोस्टर को हटाने का सुझाव दिया, और गुरुदेव के तर्कपूर्ण सुझावों को सुनकर उस समय पूरे एमपी में ऐसे पोस्टर पर प्रतिबंध वहां के सीएम ने लगा दिया। एक दूसरा बर्निंग इश्यू था सेक्स एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट किंडरगार्टन से ही सेक्स एजुकेशन को सिलेबस में शामिल करने वाली थी। गुरुवर ने इसका जबरदस्त विरोध किया और राज्यसभा में शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति का सहयोग लेकर पिटीशन फाइल की गई। इस अभियान में मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन आदि हर कम्युनिटी के अग्रणियों और संतों ने गुरुदेव को साथ दिया, और तमाम प्रयत्नों के बाद राज्यसभा ने ये जनादेश दिया कि सेक्स एजुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया। इसके अलावा मीट एक्सपोर्ट पर गुरुदेव के नाम से ही मीट एक्सपोर्ट बंद कराने की पिटीशन फाइल हुई है। पिटीशन कमेटी जब गुरुदेव से मिलने आई, तब गुरुदेव के लॉजिक्स और उनकी दलीलों से बहुत ही प्रभावित हुई, और पिटीशन कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि मीट एक्सपोर्टर्स को दी जाने वाली 13 प्रकार की सब्सिडी बंद होगी, और अगली पंचवर्षीय योजना में एक भी नया कत्लखाना मीट एक्सपोर्ट के लिए नहीं खुलना चाहिए। गुरुदेव श्री ने पोर्न वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाने के लिए भी पिटीशन फाइल की है, और उनका फैसला चंद ही दिनों में आने की संभावना है। गुरुदेव के 275वें पुस्तक का विमोचन रायपुर में हुआ, तब यूएसए की एक कंपनी ने गुरुदेव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा। राम सेतु तोड़ने पर जो विरोध हुआ था, उसमें गुरुदेव ने 10 लाख लोगों के बीच में 17 मिनट तक प्रवचन दिया। छत्तीसगढ़ में जब गुरुदेव का प्रवेश हुआ, तो उनका स्वागत करने वहां के सीएम रमन सिंह खुद गए और गुरुवर को राजकीय अतिथि घोषित किया। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सीएम ने भी उनको राजकीय अतिथि घोषित किया था। जरा कल्पना कीजिए, जिनके वाचक वर्ग में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, शिक्षण मंत्री श्री स्मृति ईरानी, भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून श्री धीरू भाई अंबानी जैसी हस्तियां शामिल हों, उस गुरुवर की कलम की ताकत क्या होगी। कल्पना कीजिए, जब श्री सोनिया गांधी खुद फ्रेंच डेलीगेशन को ये हिमायत करती हों कि शिक्षण के विषय में कोई भी सवाल या जानकारी यदि आपको चाहिए, तो आप आचार्य श्री रत्न सुंदर महाराज साहिब से मिलिए। दिल्ली की 4 वर्ष की स्थिरता के दौरान
400 से भी अधिक राजनेताओं ने गुरुवर से मुलाकात की। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। साहित्य की बूंदों से आया मन को। 4 सालों की दिल्ली की स्थिरता के बाद जब गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य श्री विजय जय घोष सुरीश्वर जी महाराज साहिब के सानिध्य में बोरीवली मुंबई में उपस्थित हुए, तब उपस्थित श्रद्धालुओं को गच्छाधिपति श्री ने इतना ही कहा कि दिल्ली में हिर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पदार्पण के 400 सालों के बाद बहुत कुछ महत्वपूर्ण कार्य रत्न सुंदर महाराज साहिब ने दिल्ली में किए हैं। भुवन भानु महाराज साहेब गुरुदेव श्री के प्रवचन और वाचना से इतने आनंदित थे कि एक बार गुरुदेव श्री को भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है तेरी जिह्वा पर माँ सरस्वती विराजमान हो चुकी है। तब से गुरुवर के विनित शिष्य गण ने अपने गुरुदेव के नाम के आगे सरस्वती लब्ध प्रसाद लिखना शुरू किया। ऐसे सरस्वती लब्ध प्रसाद ऐसे सरस्वती पुत्र परम पूज्य आचार्य श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहेब को इस पूरे संसार की कोटि कोटि वंदना। तत्व ज्ञान से भव सागर को पार लगाने, रोम रोम में प्रभु भक्ति का भाव जगाने। गुरुवर का इस संसार के लिए एक संदेश। एजुकेशन फील्ड में लोग मेरे से कभी चाहते कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी कमी क्या है, उन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन में टीचिंग का क्षेत्र तो जबरदस्त चल रहा है, मगर दो चीज़ निश्चित तौर से ऐड होनी चाहिए, टीचिंग के बाद टचिंग। कोई भी सब्जेक्ट उनके हृदय को छूने वाला होगा तो टीचिंग में उनको आनंद आएगा और अकेले टचिंग से ही काम बनेगा। टचिंग जो भी सब्जेक्ट हो उनको लेकर के उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट भी आना चाहिए। दैट मीन्स एजुकेशन सिस्टम में टीचिंग, टचिंग और टर्निंग 3 स्टेप आ जाए तो एजुकेशन पूरे देश के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए लाभदायी बन सकता है। सोशल क्षेत्र के लिए कई लोग मुझे पूछते कि हमारे साहब आप क्या चाहते हैं, तो मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी दुर्जन आदमी हो वो किसी भी हालत से अच्छे अच्छे सत्संग से, सत्साहित्य से, सत्संग से, सत्संग से उनका जीवन सज्जन बन जाए, माने दुर्जन सज्जन बन जाए, सज्जन जो भी है वो सब संगठित बन जाए, क्योंकि कहीं दिखता है कि सज्जन बिखरे हुए, जैसे अनार में बीज तो अच्छे होते हैं मगर जैसे अनार खोलो हर बीज अलग अलग हो जाता है, मगर लड्डू में देखो तो हर एक एक बूंद एक दूसरे से चिपक के रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ दुर्जन सज्जन बन जाए, सज्जन संगठित बन जाए, और संगठित सज्जन भी कोने में बैठ कर के निष्क्रिय होकर के बैठे नहीं, मगर संगठित सज्जन सक्रिय बन जाए तो निश्चित तौर से समाज में जो बिगाड़ा है वो रुक भी सकता है और बहुत कुछ अच्छे कार्य की प्रतिष्ठा हो सकती है। सत्ता स्थान के लिए कई लोग मेरे से पूछते कि महाराज साहब आपका मैसेज क्या है, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि संतों के पास अच्छी इच्छा शक्ति तो है, मगर उन लोगों की कमी है कि उनके पास क्रिया शक्ति नहीं है, और शासकों के पास क्रिया शक्ति जबरदस्त है मगर ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के पास इच्छा शक्ति नहीं है। दैट मीन्स संत ये कहते हैं कि वी कैन विश बट वी कांट डू एनीथिंग, और सत्ता के लिए मैं इतना कह जाऊँ दे कैन डू एवरीथिंग बट दे डोंट विश। तो मैं चाहता हूँ कि संतों की इच्छा शक्ति और शासकों की क्रिया शक्ति एक हो जाए तो पूरे देश की ताकत अलग हो जाए, देश की पहचान अलग हो जाए और देश निश्चित तौर से सही अर्थ में विकास के मार्ग पे आगे चलाए। ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। हमें सिर्फ गुरुवर को यही कहना है कि आपको पाकर हमें सारा जमाना मिल गया, हम अज्ञानियों को ज्ञान का खजाना मिल गया, आपको पाकर हमें सारा जमाना मिल गया।